ओवैसी की पार्टी जल्द ही राजस्थान में भी एंट्री करेगी। ओवैसी ने दिसंबर तक राजस्थान में संगठन तैयार करने की घोषणा कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि जयपुर दौरे पर आए पार्टी सुप्रीमो ओवैसी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों से बात हुई है और मेरा इरादा यह है कि आज से 1.5-2 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी की गतिविधियां शुरू हो जाएं। राजस्थान में थर्ड फ्रंट का काफी स्कोप है। यहां की जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों से परेशान है। यहां की मॉनिटरिंग जो है वो एक राजनीतिक आवाज और राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में कराए जाने हैं। और राजस्थान में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले पार्टी यहाँ गतिविधियों शुरू करेगी और फिर संगठन का मजबूत करने का भी प्रयास करेगी। और आपको ये भी बता दें कि गठबंधन की बात बाद में होगी। मैं बीटीपी नेता छोटू भाई बसावा के घर गया था और उनसे अच्छी बातचीत हुई थी। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दौरान हमारी पार्टी सबका एजेंडा रखेगी और सबकी बात होगी। ओवैसी ने राजस्थान में मुस्लिम विधायकों को शो पीस कहकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉलिटिकल वॉइस नहीं के बराबर होती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग के विधायक भी अंगड़ाई लेते वक्त अपने मुंह खोलते हैं और तब तक ये स्वतंत्र की आवाज होगी। और जब ये शो पीस है ही, तो फिर इनका असेंबली और विकास में क्या योगदान है? बाबा साहेब अंबेडकर से भी पूछा गया था कि दलित नेता जीत तो रहे हैं, फिर भागीदारी पर सवाल क्यों? तब बाबा साहब ने कहा कि दलित जीत कर जाते हैं, लेकिन संसद में मुंह उस वक्त खोलते हैं जब उन्हें अंगड़ाई लेनी होती है। यही हाल राजस्थान में मुस्लिम विधायकों का है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने इतने दिन वोट दिया, लेकिन उसके साथ भेदभाव हुआ है। अमित शाह और यूपीए का बिल लाए और जिसमें दिल्ली में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर को राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को आतंकी करार देने का अधिकार दे दिया। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया है। देश की राजधानी दिल्ली में इस समय डेंगू का आतंक मचा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी इस वक्त डेंगू से परेशान हो चुकी है। अब तक अगर डेंगू की बात की जाए तो वहां डेंगू के अब तक 5,277 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन 5,277 मामले में से 2,569 मामले सिर्फ पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। वहीं डेंगू ने राजधानी दिल्ली में भी अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। इस पूरी बात की जानकारी आपको बता दें, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि दिल्ली में साल 2016 के बाद डेंगू के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पिछले महीने से डेंगू ने हर हफ्ते अपनी रफ्तार तेज करी जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 2 अक्टूबर को डेंगू के 341 मामले सामने आए थे, जो 9 अक्टूबर को 480 और 16 अक्टूबर को 723 और अक्टूबर में ही आपको बता दें कि कई मामले इसमें सामने आने शुरू हो चुके थे। और जिसमें अब बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेज रफ्तार पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रही है। वहीं जिसमें डेंगू के 2,569 नए मामले दर्ज किए गए हैं।